व्हाट्सअप गाइस। तो गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दोबारा से किचन गैजेट्स के बारे में, जो आपके किचन के कामों के लिए काफी यूजफुल होंगे और काफी हैंडी टू यूज होंगे। सो इस वीडियो को लास्ट तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि नई वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। सो गाइस जो पहला गैजेट है वो हमारा वाटरमेलन बॉल मेकिंग गैजेट। इस गैजेट की हेल्प से आप वाटरमेलन के छोटे छोटे बॉल्स कट कर सकते हैं और बॉल्स को आसानी से बना सकते हैं। अगर आपको ये गैजेट पसंद आता है तो आप इसको अमेजोन से 120 रुपीज़ में परचेज़ कर सकते हैं। परचेज़ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर परचेज़ कर सकते हैं। सो गाइस जो सेकेंड गैजेट है वो है हमारा साफ सील ग्लव। सो गाइस वैसे तो सब्जी और फल काटने के लिए हम चाकू का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कभी कभी सावधानी ना होने से हमारे हाथ या फिर उंगली कट जाती हैं नाइफ से, जिसकी वजह से हमें काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। इसके लिए जो हमारे पास गैजेट है वो है साफ सील ग्लव। इस ग्लव को पहन के यदि आप कोई काम करते हैं तो फिर आपके हाथ और उंगली नहीं कटेंगी, तो आपके हाथ और उंगली जो है वो नहीं कटेंगी और आप आराम से काम कर सकते हैं। इस ग्लव्स को फाइबर और मेटल के कॉम्बिनेशन से बनाया गया है, जिसकी वजह से ये ग्लव नहीं कटेगा। और इस ग्लव की जो परचेज लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप इसको अमेजोन से 500 रुपीज़ के अप्रॉक्स में परचेस कर सकते हैं। अगर आपको ये ग्लव पसंद आता है तो आप इसको परचेस कर सकते हैं। सो गाइस द नेक्स्ट गैजेट इज मिनी वेजिटेबल चॉपर। वैसे तो हम वेजिटेबल्स को ग्राइंड करने के लिए मिक्सर का इस्तेमाल करते हैं, मिक्सर और ग्राइंडर का, लेकिन मैं आज आपको एक मिनी वेजिटेबल चॉपर के बारे में बताने वाला हूँ, जिस चॉपर की हेल्प से आप अपने वेजिटेबल्स को आसानी से ग्राइंड कर सकते हैं। सो आपको इसमें 2 to 3 वेजिटेबल्स डालनी है और इसमें लगे हुए हैंडल को आपको 2 to 3 बार इसको खींचना होता है और आपकी जो वेजिटेबल्स ग्राइंड हो जाती हैं। सो गाइस इसको यूज़ करने के लिए आपको कोई इलेक्ट्रिसिटी की भी ज़रूरत नहीं है, जैसे मिक्सर ग्राइंडर में हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है। आप इसकी मदद से आसानी से अपने वेजिटेबल्स को ग्राइंड कर सकते हैं। अगर आपको ये गैजेट पसंद आता है तो आप इसको नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में लिंक से परचेस कर सकते हैं। सो गाइस नेक्स्ट गैजेट इज टर्बो फ्लेक्स 360। बेसिकली हमारे किचन की जो टैप होती है वो एक फिक्स होने की वजह से हम उसको इधर उधर मूव करा के कोई भी चीज़ वॉश नहीं कर सकते, तो जो आज का गैजेट है वो है टर्बो फ्लेक्स 360। उसको यूज़ करके आप अपने किचन में उसको मूव करा सकते हैं और जो कुछ चीज़ें होती हैं उन्हें आप वॉश कर सकते हैं आसानी से। सिंपली आपको इसको अपने बेसिन के पाइपलाइन में अटैच करना है और फिर आप इसको आसानी से मूव करा पाएंगे और किसी भी चीज़ को आसानी से वॉश कर पाएंगे। आप इस पाइपलाइन को 360 डिग्री मूव करा के किसी भी चीज़ को आसानी से वॉश कर सकते हैं। इसको जो है आपको इसको टोटली स्टील से बनाया गया, जिसकी वजह से काफ़ी ड्यूरेबल भी है। आप इसको 200 to 300 रुपीज़ के अप्रॉक्स इसको अमेजोन से परचेस कर सकते हैं। परचेस का लिंक जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से इसको जाके परचेस कर सकते हैं। सो गाइस द नेक्स्ट गैजेट इज एप्पल स्लाइसर। सो गाइस बेसिकली हम एप्पल काटने के लिए नाइफ का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उससे कभी कभी डर रहता है कि हमारे हाथ या उंगली ना कट जाएं। इसके लिए मैं आज आपको एक गैजेट बताने वाला हूँ। इस गैजेट की हेल्प से आप इसको एप्पल को कुछ इस प्रकार काट सकते हैं। ऐसे काटने से आपके हाथ और उंगली जो है वो नहीं कटेंगे और ये टोटली स्टेनलेस स्टील से बना हुआ है, जिससे कि यह काफ़ी ड्यूरेबल भी है। ये स्लाइसर आपको अलग अलग डिफरेंट टाइप के फ्रूट्स के लिए अलग अलग मिल जाते हैं। अगर आपको ये परचेस करना है तो इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से आके इसको परचेस कर सकते हैं। सो गाइस द नेक्स्ट गैजेट इज वाटरमेलन क्यूब स्लाइसर। इस क्यूब स्लाइसर की हेल्प से आप वाटरमेलन के छोटे छोटे क्यूब्स काट सकते हैं और जो कि देखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं, और आप इनको एज अ सैलड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इस वाटरमेलन स्लाइसर की हेल्प से कुछ इस तरीके से क्यूब में वाटरमेलन को काट सकते हैं और सर्व कर सकते हैं। सो गाइस द नेक्स्ट गैजेट इज जोसेफ पिलर। इस पिलर की हेल्प से आप टोमेटोज और पोटैटोज को आसानी से छील सकते हैं। इसमें 3 डिफरेंट टाइप के एडजस्टेबल ब्लेड्स दिए हुए हैं। इसकी ब्लेड्स काफ़ी शार्प हैं, जो ऑलमोस्ट सभी वेजिटेबल्स को कट कर सकती हैं। गाइस ये काफ़ी हैंडी है और इजी टू यूज़ है और इजी टू वॉश है।
अगर आपको ये गैजेट पसंद आता है तो आप इसको नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में लिंक से परचेस कर सकते हैं। सो गाइस, द नेक्स्ट गैजेट इज स्प्रेड दैट बटर नाइफ। दोस्तों, जब हम फ्रिज से बटर निकालते हैं और उसे ब्रेड पे लगाते हैं तो हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है और बटर ब्रेड पे अच्छे तरीके से नहीं लग पाता, तो उस काम को आसान बनाने के लिए आपको ये नाइफ हेल्प करेगी। गाइस, जब आप इस नाइफ की हेल्प से बटर को निकालेंगे तो ये हल्की सी हीट होती है जिससे कि आपके काम को आसानी हो जाती है और आप अपने ब्रेड को बटर में आसानी से लगा सकते हैं। तो अगली बार जब भी आपका ब्रेड बटर खाने का मन हो तो आप इसको ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। परचेज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वहाँ से आके चेकआउट कर सकते हैं। दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपको जो भी गैजेट पसंद आता है तो आप उसको वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। सभी प्रोडक्ट के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, तो आप वहाँ से जाके अपने प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।